हेलो एवरीवन, आज की वीडियो भी एक डिमांडेड वीडियो है। मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि इको मोड का फुल फीचर प्लीज़ डिस्क्राइब कीजिए कि इको मोड आखिर क्या है। तो इको मोड का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमी मोड, और उसे हम कहते हैं फ्यूल एफिशिएंसी मोड भी उसे कहा जाता है, ठीक है ना। एक्टिवेट इको मोड तो कैसे करना है ये ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ आप लोग को। देखिए, मैं आपको सारे पहले शो कर दे रहा हूँ क्या क्या शो कर रहा है। कुछ नहीं करना है, रीसेट बटन या फिर मोड बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करना है, आपको इको मोड का ब्लिंकिंग शो होने लग जाएगी। ये है आपका इको मोड। इको मोड का फुल फॉर्म हमने जान लिया है कि इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमी मोड और फ्यूल एफिशिएंसी मोड। दरअसल इको मोड कब ऑन होता है? जब आप अपनी गाड़ी को एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर ड्राइव करते हैं, जैसे कि 30-50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। अगर आप 10 से लेकर 20 तक भी जाते हैं, आप एकदम कांस्टेंट स्पीड पे आप रहेंगे, तो आपका इको मोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, बस 60 तक ही आपका इको मोड हमेशा ऑन रहता है अगर आप कांस्टेंट स्पीड पे अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को रेव कर रहे हैं, फिर ब्रेक दबा रहे हैं, जैसे कि पॉट होल्स वगैरह आते हैं, स्पीड ब्रेकर वगैरह आते हैं, तो आप अपनी गाड़ी को धीमा करते हैं, फिर आप तेज करते हैं, उस टाइम पे आपका इको मोड एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन जब आप एक कांस्टेंट स्पीड में, मतलब आपकी गाड़ी एक निरंतर स्पीड में चलती चली जा रही है, जैसे कि अगर आप 20 की स्पीड, गाड़ी आपकी 20 की स्पीड में ही चल रही, 20 कांटा आपका 20 में ही है, तब जाके आपका इको मोड जो है यहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाता है। आपने देखा होगा कार वगैरह में रहता है क्रूज़ कंट्रोल, आपने नाम सुना होगा। क्रूज़ कंट्रोल क्या है? दरअसल आप एक स्पीड सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको 60 की स्पीड में गाड़ी चलानी है, आपको कार 60 की स्पीड में चलानी है, तो 60 की स्पीड में आप क्रूज़ कंट्रोल को सेट कर सकते हो, तो आपकी कार इसी स्पीड में आपकी कार चलती रहेगी, ना आपको गियर शिफ्ट्स करने, ना कुछ करना है हाईवे वगैरह पे, आपने देखा होगा। तो सिंपली बस इको मोड का काम यही है कि दरअसल वो क्या करता है इको मोड, कि आपकी गाड़ी में फ्यूल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, कि आपका जो फ्यूल है वो ज़्यादा बेटर माइलेज प्रोवाइड कर सके। जैसे कि आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है, लेकिन आपको पहुंचना है कहाँ, फ्यूल स्टेशन पहुंचना है, लेकिन आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है, तो आप एक कांस्टेंट स्पीड में गाड़ी को ड्राइव कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा इकोनॉमी मोड, ज़्यादा आपको इकोनॉमी मिलेगी फ्यूल से रिलेटेड, मतलब आपको ज़्यादा एक एवरेज मिलेगा आपकी गाड़ी पर, जिससे आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के आप पेट्रोल स्टेशन पहुँच सकते हैं। आपको अपनी गाड़ी से ज़्यादा माइलेज चाहिए, ज़्यादा माइलेज आपको अपनी गाड़ी से निकालना है, इस वे में आपको हमेशा इको मोड को यूज़ करना चाहिए और हमेशा अपनी गाड़ी को कॉन्स्टेंट स्पीड में ड्राइव करना चाहिए। लेकिन इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से ये देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल है कि आप अपनी गाड़ी को एक कॉन्स्टेंट स्पीड में ड्राइव कर सकते हैं। हाईवेज़ वगैरह में अगर आप जा रहे हैं, तो एक कॉन्स्टेंट स्पीड में ड्राइव कीजिए गाड़ी को, आपका गाड़ी का इको मोड ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फ्यूल सेव कर सकते। दरअसल एक शॉर्ट में कहूँ तो इको मोड का मतलब होता है पेट्रोल को सेव करना, गाड़ी के पेट्रोल को सेव करना और आपको एक बेहतर एफिशिएंसी प्रोवाइड करना। स्कूटर्स में इको मोड को ऑन करने पर कोई भी परफॉर्मेंस का लैग आपको फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप कार में इको मोड को यूज़ करते तो उसमें आपको परफॉर्मेंस लैग ज़रूर मिलेगा। स्कूटी पे परफॉर्मेंस लैग का ऐसा कोई भी फंडा नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।